वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम जा रहे हैं सांता क्रूज़ जा रहे हैं आज हम लोग के कपड़े लेने। अभी हर बार मैं बोलती हूँ आज आज मेरी कमजोरी है। देखिए गाइस, यहाँ पे अभी हम लोग सांता क्रूज मार्केट पहुँच गए थे। वहाँ पे कितना लाइक हर एक बॉयज़ के लिए वहाँ पे स्पेशली बहुत अच्छा कलेक्शन था। तो जैसा मैं मम्मी को वहाँ पे दिखा रही थी कि जैसा मैं आयाना मान के लिए लेने का बोल रही थी वैसा, बट मम्मी बोले कि मतलब वो अंकल बोल रहे थे वैसे सिर्फ बच्चों का आता है, बड़ों का नहीं आता है। तो लाइक फिर उसके बाद हम लोग ने जैसा हम लोग जीन्स और पेंट जैसे लोग को चाहिए रहता है वैसा ले रहे, लेकिन मम्मी को थोड़ा यूनिक कलर चाहिए था। लाइक ये लोग ब्लैक ब्लू और डेनिम कलर का तो पहन ही लेते, तो लाइक वैसा कुछ डिफरेंट एकदम यूनिक कलर। तो हम लोग को वहाँ पे हर एक टाइप की चीज़ें थी। शादी के लिए कलेक्शन था, नॉर्मल वेयर्स के लिए था, कुर्ता पैजामा था, सब था। तो यहाँ पे मम्मी ने और दो तीन कलर निकलवाए थे अंकल के पास, और फिर ये लोग को बोले थे कि तुम लोग सिलेक्ट करो तुम लोग को कौन सा कलर चाहिए। तो लाइक हाँ, अमान के लिए हम लोग को दो कलर पसंद आया, तो फिर हम लोग ने वो दो कलर उसके लिए साइड कर दिए थे। और जो मैंने दो कलर बताई थी वो नहीं, थोड़ा डिफरेंट टाइप के दो कलर थे। और आयान के ऊपर अभी मैं पूछ रहे थे उसको देखो कौन सा अच्छा लग रहा है, तो फिर वही। और फिर यहाँ पे शर्ट्स भी एक बहुत अच्छे अच्छे थे। लाइक वो अंकल ने जो पैंट हम लोग ने लिए थे उसके ऊपर वो अंकल ने शर्ट भी मैच करके बता दिए थे, तो वही। और हर यहाँ पे एकदम रीजनेबल रेट में है। और अब वही दिन वो दिन हम लोग को बोल रहे थे कि चलो सांता क्रूज़ तुम लोग को शॉपिंग कराने लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे अभी अयान अमन की शॉपिंग हो रही है। तो वैसे भी आज एक 20वां रोज है, तो यहाँ पे अभी हम लोग दूसरा के लिए भी ड्रेस देख रहे थे। तो मम्मी मेरे को पूछ रहे थे कि कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये हम लोग को ये पैटर्न बहुत अलग लगी, क्योंकि ये पैटर्न बहुत अच्छी लग रही थी और इसमें दूसरा भी बहुत अच्छी लगी माशाल्लाह। तो उसके लिए हम लोग कलर सिलेक्ट कर रहे थे, तो हम लोग ने एक वो लिए थे दूसरा के लिए। और फिर उसके आने के बाद हम लोग सीधा सो गए थे, हम लोग सीधा इफ्तारी के टाइम पर उठे थे, तो देखते क्या है आज। तो यहाँ पे आज मम्मी स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक ये स्मूदी बना रहे थे। तो इसके लिए हम लोग ने पहले ही जब स्ट्रॉबेरी का जब सीज़न चल रहा था तब मम्मी ने स्ट्रॉबेरी को फ्रोज़न करके रख लिए थे, ताकि हम लोग रमज़ान में कुछ स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक या स्मूदी बना पाए। तो यहाँ पे अभी मम्मी स्ट्रॉबेरी सारी कट करके जूसर में डाल दें, फिर उसके बाद उसको ग्राइंड कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग उसके अंदर थोड़ा शक्कर और दूध डालेंगे। तो हमारा वैसे भी पहले इससे पहले एक राउंड हो चुका था, तो अभी हम लोग सेकेंड राउंड कर रहे थे। तो इस तरीके से हम इसको पहले पीस लेंगे अच्छी तरीके से। अभी हम इसमें चीनी डाल देंगे थोड़ी, तो इतनी चीनी काफ़ी रहेगी। फिर इसके बाद अभी हम इसको पीसते हैं। तो इसमें हमने थोड़ा दूध भी डाल लिया है, तो अभी हम इसको पीसेंगे। तो ये देखिए हमारी स्मूदी पीस के रेडी हो गई है, तो अभी हम इसको एक तपेले में निकालेंगे। तो अभी हम इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो आई होप आपको हमारा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, कमेंट में बताना कि आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।